नाम है अमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया। तो इस आयत की तफसीर उन्होंने तलब की, समझना चाहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी ने क्या फरमाया, जिसका हिसाब होगा, हिसाब लिया जाएगा, वो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उनको हाफिजा थी माशाल्लाह, ये आयत याद थी, उन्होंने कहा भी आयत कुरान में, या रसूल अल्लाह आप कह रहे हैं कि हिसाब लिया जाएगा तो इंसान हलाक हो जाएगा, जबकि प्यारे जबकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान में ये फरमाया है कि जिनको उनका नाम आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा उनका बड़ा आसान हिसाब लिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमाई, सही फरमाया, इन्नमा ज़ालिकल अर्द وليس احد يناقش الحساب يوم القيامه الا عذب। आयशा رضی اللہ عنہا, ये जो है जिसका जिक्र अल्लाह ने किया है आसान हिसाब, ये पेशकश होगी खाली, पेशी जिसको कहते हैं, पेशी लफ्ज बोलिए, पेश अर्ज बताया जाएगा खाली, नाम आमाल दिखाया जाएगा, ये हिसाब नहीं है। आसान हिसाब का मतलब कि सिर्फ पेशकश होगी, ये है, इसको आप कह सकते हैं आसान हिसाब। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पेश होगी चीज, उसको उसकी तदकीक जिसको कहते हैं ना नहीं होगी, बारीकी से सवालात नहीं किए जाएंगे, सिर्फ पेश किया जाए, इंसान देखेगा सिर्फ। आगे फरमाया, वलैस अहद युनाकश अलहिसाब, अगर किसी से मुनाकशा होगा, मुनाकशा समझते हो हिसाब, जिससे मुनाकशा नकाश के साथ हिसाब, मतलब ये तुमने किया, ये क्यों किया, ये कब किया, इसको निकाश कहते हैं। मुनाकशा जो है, मुनाकशा कहते हैं तदकीक के साथ, यानी उसको आप मुनाकशा उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैं आम उर्दू में समझाऊं उसको, जिससे बारीकी से पूछा जाए, सिर्फ पेश नहीं किया जा रहा, उसको उसको पूछा जा रहा है उसके नाम अमल में, भाई ये काम आपने किया है, इस दिन किया था, ये गाली आपने दी थी, ये मर्डर आपने किया था, ये गुनाह का काम किया था, ये नाफरमानी आपने दी थी, एक एक चीज बारीकी से पूछी जा रही है, उसको नकाश कहते हैं। जैसे जो डॉक्टरेट या पीएचडी की डिग्रियां लिखते हैं या पीएचडी का रिसाला लिखते हैं, देखिए मास्टर्स करते हैं या पीएचडी का रिसाला लिखते हैं ना, तो उनका मुनाकशा होता है, मुनाकशा होता है जो रिसाला उन्होंने लिखा है ना, मिसाल के तौर पर जिस टॉपिक पे उन्होंने किताब लिखी है, लोग बैठते हैं और उसका मुनाकशा होता है जो कई कई घंटे चलता है, भाई आपने यहां ये लिखा था, ये हदीस तो इन अल्फाज के साथ नहीं आई है, ये आपने लिखा है, ये इसकी तफसीर में आपने हवाला मुकम्मल नहीं दिया है, यानी बारीकी से जो है तमाम चीजें पूछी जाती है, उसको कहते हैं मुनाकश। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस हदीस में, आसान हिसाब तो ये है कि इंसान के सामने सिर्फ पेश हो, उससे तदकीक नहीं की जाए, बारीकी से पूछा ना जाए, सिर्फ उसको दिखाया जाए, बताया जाए, ये है आसान हिसाब, सिर्फ बताया जाए, सिर्फ दिखाया जाए बस। लेकिन जिससे निकाश होगा, जिससे जिसको पूछा जाएगा और बारीकी से जिससे सवालात किए जाएंगे, इल्ला यौमल कियामत, कियामत के दिन, इल्ला उद्दिब, मगर उसको अजाब दिया जाएगा। तो इस हदीस से मालूम हुआ, और बाद रिवायतों में ये अल्फाज आए हैं, मनहूसी उद्दिब, जिसको हिसाब दिया जाएगा तो उसको अजाब दिया जाएगा, जिसका हिसाब लिया जाएगा उसको अजाब दिया जाएगा, मतलब दूसरा किस्म का हिसाब, आसान हिसाब नहीं मुराद है इससे, बल्कि मुश्किल हिसाब है, हिसाब उन असीर जिसको कहा उलमा ने, हिसाब की दो किस्में मैंने बना, आसान हिसाब सिर्फ पेशकश है, तो इस चीज को याद रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसको सिर्फ बताकर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जो है माफ कर देगा, उसके लिए आसान होगा, अल्लाह को तआला तजावुज फरमाएगा। अल्लाह के नबी आसान हिसाब क्या है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजीद वजाहत हो रही है, यह भी मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, अल्लाह अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया, इसमें और वजाहत हो रही है। देखिए आसान हिसाब का मतलब क्या है, तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अय्यंदुर अल्लाह फी किताबिही फयतजावज अन, कि अल्लाह उसके नाम आमाल को देखेगा और उसको माफ कर देगा, देखेगा पूछेगा नहीं, पूछ नहीं होगी, सिर्फ देखेगा अल्लाह का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में देखकर उसको माफ कर देगा। आगे फरमाया, मन्नुकिशल हिसाब यौम इदिन या आयशा हलक, ऐ आयशा उस दिन जिसका निकाश होगा, जिससे पूछताछ होगी, जिससे बारीकी से सवालात किए जाएंगे, जिससे सवालात शुरू होंगे, पूछा जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। उसके बाद फरमाते हैं हदीस के आखिर में, وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَنْ بِهِ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ,
मोमिन को जो भी तकलीफें होती हैं दुनिया में, अदियत होती है, परेशानियां होती है, तकलीफें होती हैं हम मुख्तलिफ किस्म की, तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाहों को बख्श देता है। यहां तक के कांटा भी अगर चुभ जाए तो ऐसी सूरत में उस कांटे के चुभने की वजह से जो थोड़ी सी मामूली सी तकलीफ होती है इसके बदले भी अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन के गुनाहों को बख्श देता है। इसी तरीके से महमूद बिन लबीद, आइए हिसाब के बारे में कुछ और हदीस है। महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्नान यकरहुहुमा इब्न आदम الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال اقل للحساب। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इस हदीस में दो चीजें आदम की औलाद पसंद नहीं करती है, यानी आदमियों को, इंसानों को दो चीजें नापसंद है, नंबर एक मौत, नंबर दो माल की किल्लत, यानी थोड़ा पैसा, थोड़ा कम, फाइनेंशियली कम है, ठीक है। मौत को इंसान नापसंद करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन के लिए फितनों से बेहतर है कि मौत आ जाए, वो बड़े बड़े फितनों में मुब्तला हो जाए, इससे बेहतर है कि वो दुनिया से चला जाए। और आदमी किल्लत माल को, माल की कमी को नापसंद करता है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह किल्लतुल माल अकल्लु लिल हिसाब, माल की कमी ये कयामत के दिन हिसाब में कमी होगी, माल की कमी, थोड़ा माल, अब उसकी उसका हिसाब होगा ना भाई, मिसाल हजार रियाल तो हजार रियाल का हिसाब, एक मिलियन तो एक मिलियन का हिसाब देना होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया। इसी तरीके से एक और एक रिवायत सही रिवायत है मुस्लिम अहमद की, तिर्मिज़ी में भी आई है, अबू मसूद अल बद्री रजी अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहली जो उम्मतें गुजरी हैं उनमें से एक आदमी का हिसाब लिया जाए, जब उसका हिसाब लिया जाएगा तो उसकी कोई नेकियां नजर नहीं आएंगी, उसकी हिसाब लिया जाएगा तो उसकी कोई नेकियां नजर नहीं आएंगी, सिवाय यह कि वो लोगों में उठता बैठता था और अल्लाह ने मालो दौलत से उसको नवाजा था, तो उसने अपने लड़कों को जो उसके पास काम करते थे उन लोगों को उसने हुक्म दिया था, हमेशा हुक्म देता था कि अगर किसी ने हमसे कर्जा लिया है और वो तंगदस्त है, वापस नहीं कर सक रहा है, तो उसको माफ, ये उसकी अच्छी आदत थी। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है हम उससे ज्यादा हक रखते हैं कि दरगुजर करें उसे, उसने दुनिया में दरगुजर किया मुश्किल लोगों को जो तंगदस्त थे, जो पैसा वापस नहीं कर सकते थे, कर्ज नहीं चुकता कर सकते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा नहनु अहक्कु बिदालिका मिन, हम उससे ज्यादा हक रखते हैं दरगुजर का, लिहाजा तजावज़ अन, फरिश्तों से कहेगा अल्लाह ताला इसको दरगुजर करो, इसको माफ कर दो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल-कय्यिसु मन दान नफ्सा, शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत है, मुस्लिम अहमद में भी यह हदीस है, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत व अल-आजिज़ु मन इत्तबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानिया, अकलमंद होशियार दानिश्वर वो इंसान है जिसने अपने नफ्स को अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, और मौत के बाद की जिंदगी जिसमें कयामत का दिन है और हिसाब का दिन है उस दिन के लिए उसने अमल किया, और आजिज है वो इंसान जो अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में पड़ गया और अल्लाह से उम्मीदें रखता है। इस हदीस को मैंने इसलिए जिक्र, देखिए हिसाब होगा, लिहाजा अक्लमंदी इसी में है हम सब की, हिसाब पक्का है, या आसान हिसाब या मुश्किल हिसाब, अकलमंदी इसी में है कि हम दुनिया में अपने नफ्सों पर कंट्रोल करें। नफ्स उभारता है इंसान को बुराइयों पर, इंसान बुराइयां कर जाता है, अब वो बुराइयां इतनी ज्यादा जिंदगी में होती हैं जो भूल भी जाता है, जो याद है तौफीक हो तो उसके लिए इस्तग़फ़ार करता है, याद नहीं है तो कहां इस्तग़फ़ार करेगा, लोगों को इस्तेफार की तौफीक भी नहीं होती है, ऐसे करते करते जिंदगी अच्छे काम बुरे काम दुनिया से चला जाता है। अब जिन गुनाहों से तौबा नहीं हुई उसका तो जो है उसको बदला देना है, हिसाब देना है उसको, जिन गुनाहों की बख्शिश नहीं हुई दुनिया की उसका तो हिसाब देना है। लिहाजा अकलमंद इस हदीस में अकलमंदी क्या है जो मैं और आप अपना सकते हैं,
कि अपने नफ्सों पर कंट्रोल करें और मौत के बाद की जिंदगी जिसमें हम सबको अपने आमाल का हिसाब देना है, पाई पाई का हिसाब देना है, उसके लिए तैयारी कर लें। और बेवकूफ है वो इंसान, आजिज है वो इंसान जो अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी में जिंदगी गुजारे। नफ्स जो उभारता है बुराइयों पर वो करता चला जा रहा है और उम्मीद करता है अल्लाह से, तो ये बड़ा आजिज और कमजोर किस्म का इंसान है। अल्लाह अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कोरे खाली काफिरों के मुताल अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के युजाउ बिल काफिर यौमल क़यामा फयुक़ालु लहू अरअयता लौ काना लक मिल अल अर्ध ज़हबा अकुंत तफ्तदी बिह फयक़ुलु नअम फयुक़ालु लहू قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك الله هدايه الكافرون كفار کو قیامت کے دن کافروں کو لایا جائے گا حساب کے لیے فيقال له کافر سے کہا جائے گا کیا ایک بات بتا اگر زمین بھر سونا تیرے پاس ہو وہ سب سونا آج تیرے پاس ہو زمین بھر سونا वो देकर तू फिदिये में देकर आज के दिन की पकड़ से अपने आप को बचा सकता है? ना कहेगा बिल्कुल, अगर इतनी दौलत मेरे पास हो मैं वो पूरा दे दूंगा ताकि आज के दिन की पकड़ से अपने आप को मैं बचा सकूं। तो उससे कहा जाएगा तुझसे इससे आसान चीज मांगी गई थी, मतलब तौहीद, ईमान, अमल साले, जो जमीन भर सोने से ज्यादा ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब मेहनत की चीज नहीं है, आसान चीज तुझसे मांगी गई थी लेकिन तूने जो है उस पर अमल नहीं किया। मालूम हुआ काफिरों के साथ भी मामला होगा, जिसकी तफसील ये है कि काफिरों का भी हिसाब होगा और काफिरों का जो हिसाब होगा वो तौबीख के लिए, उनको डांट के लिए, उनकी फटकार के लिए, वरना जाहिर बात है उनके पास तो कोई नेक अमाल है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में उनके साथ जो है मामला किया जाएगा। और इस सिलसिले में कुछ हदीसें भी हैं जो अभी आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। हिसाब के मुताबिक कुछ और पॉइंट्स जो आपके सामने इंशाल्लाह अभी पेश करना है। एक तो आसान हिसाब, ये आसान हिसाब अहले ईमान का होगा जैसा कि हमने अभी आपको बयान किया, अहले मोमिनों के साथ किया जाएगा जो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, ठीक है, और जो जिनकी गुनाह ज्यादा नहीं होंगे उन लोगों के साथ ऐसे मामला होगा जिसमें यह है कि सिर्फ अल्लाह ताला देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला। इस सिलसिले में बुखारी मुस्लिम की एक हदीस आपके सामने मैं पेश करूं आसान हिसाब के मुताबिक। और एक बात, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुनिए इस हदीस को। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना इन्ना अल्लाह युदनिल मुमिन फयदउ अलैहि कतफा फयदउ अलैहि कनफा वयस्तुरुहु फयकूलु अतअरिफु ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه। देखिए ये एक हदीस जिसमें हिसाब के मुताबिक एक अहम बात आई है और एक जो अब तक मैंने आपको नहीं बताई है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला मोमिन के मोमिन को करीब करेगा, अपने करीब करेगा मोमिन को, कब? ये कयामत के, और अल्लाह ताला उस पर जो है अपना हाथ रखेगा बाजू और उसको छुपाएगा, ढांक लेगा उसको, उसको करीब करेगा अल्लाह ताला और उसको ढांक लेगा और उसको उससे एतराफ करवाएगा। फयकूल अल्लाह कहेगा अतअरिफु ذنب كذا, क्या तू ये गुनाह याद, क्या तुझको ये गुनाह याद है? अतअरिफु ذنب كذا, क्या तुझको फलां गुनाह याद है? फयकूल नअम या रब, तो बंदा कहेगा जी हां मेरे रब, मोमिन बंदा कहेगा जी हां मेरे रब, मतलब याद है मुझे।
हत्ता इदा कर्रा हो बिदुनूबी, एक एक गुनाहों को अल्लाह ताला याद दिलाएगा जो मोमिन ने किए दुनिया, ठीक है, तो उस तमाम गुनाहों का वो एतराफ करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जब एतराफ करवाएगा तो नबी सल्लम फरमाते हैं वरा फी नफ्सी अन्नहु गलत, जब एक एक गुनाह याद दिलाया जा रहा है, भाई ये गुनाह याद है, ये गुनाह याद है, ये गुनाह याद है, मेरे रब याद है, वो समझेगा कि मैं बर्बाद हूं, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे याद दिला रहा है गुनाह। अल्लाह ताला तो भूलता नहीं, इंसान भूल सकता है, तो अल्लाह ताला इतराफ करवाएगा, वो इतराफ कर लेगा और समझेगा कि मैं हलाक हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा रहमान रहीम सतर तुहा अलैका फिद दुनिया, इन गुनाहों पर मैंने दुनिया में तुझ पर पर्दा डाल दिया, इन गुनाहों पर मैंने दुनिया में पर्दा डाल दिया था, وانا اغفرها لك اليوم, आज मैं उन गुनाहों को बख्श देता हूं, मैं उन गुनाहों को माफ कर देता हूं। فيعطى كتاب حسنات, उसके नेकियों का जो नामे आमाल है उसको दे दिया जाएगा ताकि वो जन्नत में चला जाए। واما الكافر والمنافق, जहां तक काफिर और मुनाफिक का मामला है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गवाही देने वाले लोग उस दिन गवाही देंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया औलाइल लदीन कذبوا على ربهم, ये वो लोग हैं, ये कुफार, ये मुनाफिकीन वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा। अला लानतुल्लाहि अलल जालिमीन, सुन लो बाखबर हो जाओ कि जालिमों पर अल्लाह की लानत और फटकार है। इस हदीस को इमाम शेखैन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत किया। जिस हदीस से हमें ये बात मालूम हुई, जो कि मालूम होना चाहिए, आसान हिसाब की मजीद तफसील ये भी है के मोमिन बंदों के साथ आसान हिसाब होगा, उनके नामे आमाल उनको दिखाए जाएंगे और अल्लाह एतराफ भी करवाएगा जो गुनाह उनके थे, जिनको जिन गुनाहों से उन्होंने जो है माफी मांगी तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। और गफूर अल्लाह ताला है बख्शने वाला, जिसका माना उलमा बयान करते हैं कि दुनिया में गुनाहों पर पर्दा डालकर कयामत के दिन उसको नजरअंदाज कर दे अल्लाह, मतलब माफ कर दे, तजावुज कर दे, उसको उन गुनाहों को ना पकड़े, क्यों इन्होंने जो है अच्छे काम किए और गुनाहों से माफी मांगते रहे माफी मांगते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन याद दिला, ये पेशकश होगी, सिर्फ हिसाब निकाश नहीं होगा, मुनाकशा, ये सिर्फ पेशकश होगी, जो दूसरी हदीस में हमें पढ़ा ना, बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, अल्लाह दिखाएगा उसको ये तूने किया, ये किया, याद दिलाएगा, वो सारे गुनाहों का इतराफ करेगा और समझेगा कि मैं हलाक हो जाऊं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में इन गुनाहों पर पर्दा डाल दिया था, आज मैं उन गुनाहों को माफ कर देता हूं, फिर उसके नेकियों का नाम आमाल उसके दाने हाथ में दे दिया जाएगा। जहां तक कुफार और मुनाफिकीन है उनके लिए तो बर्बादी है, जैसा कि इस हदीस में बयान किया गया है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाता है ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, काफिरों को उनके कुफर की सजा दी जाएगी, कयामत के दिन उनके रब के सामने खड़ा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा ये दिन ये बरहक नहीं है जिस दिन का तुम इनकार करते थे, ये सच नहीं है दिन, قالوا بلى, वो लोग कहेंगे बिल्कुल सच है, तुम खड़े हुए हैं हमसे हिसाब दिया जा रहा है, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, तुमने जो कुफर किया उसके बदले जो है तुम गुनाहों को चखो या गुनाहों को अजाब को चखो, अजाब को चखो। इसी तरीके से ये सूरह अनाम की आयत है, एक और एक सूरह अनाम की आयत है जिसमें वो लोग खुद गवाही देंगे कि हाँ दुनियावी जिंदगी में पढ़कर हमने अपने आप को गुमराह कर दिया। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, जैसा कि अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया या माशरल जिन्नी वल इंस अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुसुन अलैकुम आयाती وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين। اے جنوں کی جماعت, یعنی جنوں کا بھی حساب ہوگا, اس آیت سے پتہ چلا, اے جنوں کی جماعت, اے انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں آئے جنہوں نے تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی اور اس دن سے یعنی حساب والے دن سے قیامت کے دن سے ڈرایا, गवाही देंगे कहेंगे शहीद ना अला अनफुसना, हम गवाह आए हमारे पास पैगंबर, डराया गया हमको, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, दुनियावी जिंदगी के धोखे में ये लोग पड़ गए और अपने नफ्सों पर खुद गवाही देंगे कि ये लोग काफिर थे, ये लोग काफिर थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून, इंसान जो भी अमल करेगा कसम है तुम्हारे रब की उन सब से हिसाब लिया जाएगा। जहां तक हिसाब के मुतालिक है तो उम्मतों में सारी उम्मतों का हिसाब लिया जाएगा। कुछ और अहम बातें हिसाब के मुतालिक,
उम्मतों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मद का हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद बाकी उम्मतों का हिसाब लिया जाएगा। जैसा कि बुखारी मुस्लिम की हदीस से मालूम हुआ, अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा, हम सबसे आखिर में आए हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे जाने वाले हैं। इस हदीस का मतलब यह है कि दुनिया में वजूद के एतबार से यह उम्मत आखिरी उम्मत है, उम्मत मोहम्मद, लेकिन कयामत के दिन जब हिसाब होगा और जन्नत में दाखिला होगा तो सबसे पहले जाने वाली या जिनका हिसाब होगा वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद मुसलमान से या इंसान से जो हिसाब होगा सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा, तो इस सिलसिले में जहन में रखें आमाल जो है ना, ये देखिए एक होता है आमाल एक होता है मुआमलात, ठीक है ना। आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और मामलातदारी में सबसे पहले खून का हिसाब होगा। किसी ने किसी का खून बहाया, नहा कत्ल किया उसका, इसकी दलीलें सुनिए। अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी की हदीस है बुखारी मुस्लिम की, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा युक़्ज़ा बैनन नासी यौमल क़ियामा फिद्दिमा, अफल ये उसके बारे में है, दिमाग के बारे में। उससे पहले आमाल में बंदे से जो है सबसे पहले नमाज के मुताबिक हिसाब होगा, और इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के जो तमीम दाई और उनकी हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासब बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, फइन सलुहत फइन, ये जो अबू दाऊद के अल्फाज है, फइन कान अतम्महा कुतिबत लहु तामा वइन लम यकुन अतम्महा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल हल उन्ज़ुरु हल तजिदून लिअब्दी मिन ततव्वु फतुकमिलून बिहा फ़रीदतहु ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الاعمال على حساب ذلك اخرجه الامام احمد والامام ابو داود امام احمد امام ابو داود نے اپنی کتابوں کی زینت اس حدیث کو بنایا ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں سے یا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی اگر اس نے پوری پڑھی نماز تب تو اس کے لیے پوری لکھی جائے گی और अगर पूरी नहीं पड़ी उसने उसमें कुछ कमी रही फराइज नमाज में फर्ज नमाजों में अगर फर्ज नमाजों में कोई कमी रही तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल बयान फरमाएगा फरिश्तों से कि देखो इसकी कोई नफिल नमाजें हैं क्या इसकी कोई सुनी होगी आपने हदीस नफिल नमाजें हैं क्या अगर नफिल नमाजें हैं तो फिर फराइज में जो नुक्स और कमी वाकई हुई है उससे इसको पूरी कर दो फिर ज़कात का इसी तरीके से हिसाब लिया जाएगा फिर बाकी आमाल का भी इसी तरीके से हिसाब लिया जाएगा पता चला नमाज आमाल में सबसे पहले है नमाज रोजा जकात कुर्बानी हज उमरा सब है ना भाई इबादत है इसमें सबसे पहले नमाज जो कि पंच वक्ता है हर दिन पढ़नी है फर्ज है तो इसका हिसाब सबसे पहले लिया जाए अच्छा हिसाब ले जाया जाएगा तो जरा ध्यान में रखिए एक बार हाँ बताना जरूरी है ना भाई खान साहब को भी क्या कब से नमाज फर्ज है जब से बालिग हुए वो बाद लोग बाद में पाबंद हो जाते हैं और ठीक है पाबंद हो गए अच्छी चीज है फिर उसके बाद एक अमल करते हैं अदाए उमरी उसको मैं क्लियर करता चलूं बालिग कब हुए आप मिसाल लड़का आमतौर पर 15 साल में बालिग होता है बच्चियों तो मेंसेस के हिसाब से उनका मामला रहता है 15 साल में बालिग हुए कितने साल के हैं आप 50 साल कब से शुरू करें नमाज 5 वक्त की 15 साल से पढ़ना था कब से शुरू करें याद नहीं है अंदाजा 30 साल से अच्छा 30 ईयर्स का था मैं आ गया था अभी तो लोग बोले नहीं अल्लाह से डरो नमाज पढ़ो वगैरह तो नमाज शुरू है तो 15 ईयर्स की नमाजों का क्या है उसको एक फतवा दिया जाता है जो कि गलत फतवा है मैं क्लियर कर दूं कजाए उमरी वो कैसे हर फजर के साथ एक फजर पढ़ो एक तरीका है हर जोहर के साथ एक जोहर पढ़ लो हर मगरिब असर के साथ एक असर पढ़ लो हर मगरिब के साथ एक मगरिब हरिशा के साथ ईशा 5+5 10 नमाजें पढ़ते होगा क्योंकि वो 15 साल की नमाजों की कजा कर ली अच्छा जो नमाजें छूट गई हैं वो क्यों क्यों छोड़े आप 15 साल के बाद अरे वो कॉलेज था स्कूल था पहले तो फिर कॉलेज 15 साल में कॉलेज स्कूल फिर उसके बाद कॉलेज ना अब्बा पढ़ते थे ना अम्मी पढ़ते थे ना अब्बा बोले ना अम्मी बोले सब लाठोरी में जिंदगी गुजरी नौज बिल्ला सुस्ती का एलिमेंट चलो चलो खेल कूद था तो बहरहाल इस तरीके से बर्बाद हो गई जिंदगी तो नमाज छोड़ना कुफ्र है मौजू हमारा वो नहीं है कि तारीख सलात बड़ा मसला है नमाज के मुताबिक सख्त वही आई है कुरान ठीक है तो अब ये मैं सिर्फ मसला बताता चलूं आपको कि ये जो नमाजें जिंदगी भर या 15 साल छूट गई मिसाल के तौर पर इन नमाजों का क्या करना यह जानबूझकर छोड़ी गई सोकर कोई आदमी 15 साल नमाज नहीं छोड़ता 15 साल नहीं सोता है भूलता भी नहीं है यह जानबूझकर आमदन इन नमाजों को तर्क कर दिया इसका एक ही कफारा है तौबा 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 बस
सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगना, क्योंकि इतने साल की नमाज है आप। अच्छा, ये तो मैं 15 साल मिसाल दे रहा हूं, उलमा के फतवे क्या है, इंसान को अगर याद है उसने कितनी नमाजें छोड़ी हैं तो उनकी वो कजा करना। लेकिन क्या आपको हमको याद है कि कितने साल की नमाजें हमने छोड़ी है? याद ही नहीं है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हदीस सुनिए, मन नामा अनिस्सला औ नसीहा फलयुसल्लीहा इज़ा ज़करहा। कोई अगर सो जाए नमाज पढ़ने से, मतलब नींद की वजह से छोड़ दी नमाज, उठा तो देखा करे नमाजें खत्म हो गई हैं, 2-3 कितने सो सकता है, या भूल जाए, फलयुसल्लीहा इज़ा ज़करहा, जैसे याद हो पढ़ ले, जैसे उठ जाए पढ़ ले, एक फजर जोहर दो छुड़ गई सोकर, फजर से पहले सोया और मगरिब में उठा मिसाल के तौर पर, तो 2 छुड़ गई ना 3 छुड़ गई, फजर जोहर असर, तो 3 पढ़ ले फौरन, मिसाल दे उसमें, ये कज़ा है। या भूल गया नमाज पढ़ना, 1 या 2 या 3, लेकिन ज्यादा नमाज है भूलता तो नहीं यार, वो तो जानबूझ कर छोड़ी गई, तो उसके लिए तौबा है, इस्तग़फ़ार है, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगना और बाकी जिंदगी में जो है नमाज की पाबंदी करना, क्योंकि नमाज सबसे पहले क़यामत के हिसाब लिया जाएगा उसका, और हिसाब जाहिर बात है पूरे जिंदगी का लिया जाएगा, चाहे आप बीमार हो तब भी आपको पढ़ना है, मुसाफिर हो तब भी पढ़ना, सिवाय औरतों के, औरतों को मेंसेस में माफ है, उसके अलावा औरत को किसी हाल में माफ नहीं है, निफास में मेंसेस में जो मालूम है औरतों को, मर्द को किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। और जहां तक मामलातदारी है तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पढ़ी, जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसमें यह है कि क़यामत के दिन सबसे पहले खून का हिसाब लिया जाएगा। क्या मतलब? आपने किसी का खून कत्ल किया, खून बहाया, ठीक है, जख्मी किया, तो उसका हिसाब आपको मामलात में सबसे पहले दिया जाएगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान अल्लाह से डरे और जो है इस दिन के लिए तैयारी कर ले। जहां तक हिसाब का ताल्लुक है, मुहासबुन, लोगों का जो हिसाब लिया, 3 किस्म के लोग होंगे जो खुलासा है। नंबर 1, वो लोग जिन पर कोई हिसाब नहीं, हिसाब के मामले में 3 टाइप के लोग होंगे। नंबर 1, वो जिन पर, जो मोमिनीन में से जिन पर ना हिसाब होगा ना अदाब होगा, जिसका जिक्र जो 70,000 लोग होंगे, जो अल्लाह के रसूल की हदीस की रोशनी में हमने बता दिया, और वो क्या करेंगे जिसकी वजह से हिसाब नहीं होगा उनका, ये भी हमने बता दिया। 2nd टाइप ऑफ पीपल, वो लोग जिनका क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा, और उसमें थोड़ी सी तफसील है, वो ये आम मोमिनीन और गुनहगार, जो आम मोमिनीन भी होंगे और गुनहगार भी होंगे, इनका अपने अपने अमाल के हिसाब से हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया ना, बाल लोगों को आसान हिसाब ये होगा, मोमिनिन का आम मोमिनिन का आसान हिसाब ये है कि सिर्फ अल्लाह देखेगा, इतराफ करवाएगा और उसके बाद बख्श देगा अजाब। बास लोग ऐसे होंगे मोमिनों में से, मुआहिदीन में से, जिनके गुनाह नेकियों से ज्यादा थे, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, अल्लाह ने चाहा कि इनको इनके गुनाहों की जो शिर्क के अलावा थे उनके, मुआहिदीन हम कह रहे हैं ना, इसीलिए तौहीद वाले, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी, और अल्लाह ने चाहा कि इसकी सजा उनको मिले, तो उनकी सजा उनको मिलेगी, हिसाब उनका होगा और जहन्नम में उनको उनके आमाल की पूरी पूरी सजा मिलेगी। दूसरी किस्म, गुनहगार थे, तौबा भी नहीं किए, अल्लाह ने चाहा कि इनको माफ कर दे, बख्श दे, सजा ना दे, तो अगर इंसान मुवाहिद 2 किस्म में से होगा, देखिए मैं और खुलासा कर दूं और इसी करके बताऊं, ईमान वाले आप 1, 2, 3 ऐसे करें, ठीक है। नंबर 1, वो ईमान वाले होंगे जिन पर कोई हिसाब नहीं हुआ, 70,000 लोग हो गया खत्म। नंबर 2, ईमान वालों में वो लोग होंगे जिनकी नेकियां गुनाहों से ज्यादा थी, नेकियां ज्यादा, आसान हिसाब उनका लिया जाएगा, मतलब उनको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि नेकियां ज्यादा है, तो वो जन्नत, फमन सफलत मवाजिन फहुवा फी इशतर राकिब। तीसरे किस्म के वो लोग जिनको, जिनके गुनाह नेकियों से ज्यादा थे, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, उन गुनाहों से उन्होंने माफी नहीं मांगी, माफी मांगी तो माफ, माफी नहीं मांगी, इन 2 में से 1 मामला इनका किया जाएगा, तो 3rd टाइप ऑफ पीपल, 3rd टाइप ऑफ ईमान, या तो अल्लाह ताला चाहेगा तो बख्श दे क्योंकि इनके गुनाहों में शिर्क नहीं था, इंशा गफर रहू और माफ कर दे, या अल्लाह चाहता है कि इनके गुनाहों की इनको सजा मिले और सजा के बाद फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, इसकी दलीलें मौजूद हैं पुराने, इन अल्लाह हरा गफर ईश्वर कभी वह गफर मादून अदालिक लिमई यशा। उसके बाद एक और किस्म काफिरों की, मुश्रकिन की, हमने बता दिया, उनका मामला यह है कि उनका हिसाब होगा और सिर्फ बताने के लिए, डांट के लिए, और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इसी तरह और अजा वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और मुश्रकिन का भी, जहां तक जो शिर्क अकबर पर मर गए, शिर्क अकबर पर अल्लाह बचा के रखे, उनका भी सख्त हिसाब होगा, और इसलिए कि देखो तुमने ये किया बताने के लिए, डांट के लिए, और उसके बाद उनको जो है सख्त सजा दी जाएगी। और इस
सिलसिले में एक या हिसाब के बारे में एक और एक जबरदस्त हदीस है सही मुस्लिम की, अबू दर गिफारी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं। उससे पहले एक आयत भी मैं पढ़ के सुना दूं आपको, जरा टाइम कितना है बता दीजिए खान साहब। अल्लाह तबारक, चार मिनट अभी खत्म कर रहा हूं मैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरह कहफ की आयत है, वुदिअ अल किताब फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यकूलून या वैलतना मा लिहादा अल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदु मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। इस आयत का मतलब यह है कि क़यामत के दिन आमाल नामे रखे जाएंगे सबके, मुजरिम जो होंगे वो लोग डरे हुए होंगे, उनको पता है उन्होंने क्या क्या जुर्म दुनिया में किया है, अपने नामे आमाल को देखने से पहले ही खौफजदा होंगे और जब देखेंगे तो कहेंगे या वही लखना हाय हमारी बर्बादी, इन नामे आमाल में तो सब लिखा हुआ है भाई, कोई छोटा जुल्म बड़ा जुल्म छोटा गुना बड़ा गुना कोई बचा नहीं है, सब तो लिखा हुआ है इसमें कोई चीज, और जो जो दुनिया में उन लोगों ने किया है जुल्म या गुनाह वो तमाम वहां हाजिर पाएंगे, तुम्हारा रब किसी पर भी जुल्म नहीं करता है। अबू दर्द की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया यानी हदीस कुदसी है, या इबादी ऐ मेरे बंदो इन्नमा ही आमालुकुम उहसीहा लकुम, ये सारे तुम्हारे आमाल हैं जिनको गिन गिन कर मैंने रखा है तुम्हारे लिए या रखता हूं मैं तुम्हारे लिए गिन गिन कर, उसका पूरा पूरा बदला तुमको दूंगा। जिसको क़यामत के दिन खैर मिले वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिसको उसके अलावा मिले वो अपने आप पर मलामत करे। ये इस सही मुस्लिम की हदीस है जिससे मालूम हुआ कल हम सबको ये सारा मामला हमारे साथ आएगा। अगर खैर है तो फिर अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने तौफीक दी आपने खैर का काम किया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, खैर के अलावा अगर है तो फिर बर्बादी है, लिहाजा इंसान अल्लाह से डरे। इसी तरीके से जो जुल्म होगा दुनिया में, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए बात को रोकते हैं, जुल्म जो मजालिम होंगे, किसी ने किसी की जमीन ले, किसी ने किसी पर जुल्म किया, इसका भी बड़ा कड़ा सख्त किस्म का हिसाब होगा। और एक हदीस उसको आइंदा दर्श में बताऊंगा किस तरीके से जुल्म की बुनियाद पर इंसान अपनी नेकियों को खो देगा और लोगों के गुनाहों को अपने सर पर लेकर दोजख की आग में जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको इससे महफूज रखे। इस सिलसिले में बहुत डराने वाली एक हदीस है जो इंशाल्लाह आइंदा दर्श में हम बताएंगे, और उसके बाद तराजू नामे आमाल कैसे तोले जाएंगे इसका भी मामला आगे आएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका आसान हिसाब फरमा दे या हिसाब यसीरा हो जाए, बल्कि अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमने पिछले मतलब अभी किए कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर अजाब के बगैर हिसाब के हम सबको जल्दी दाखिल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक दे और वक्त से पहले आंखें खोलने की हम सबको तौफीक दे दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफारतुल मजलिस سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।